जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो फिजिकल टिप्स में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली है हस्त मैथुन पे। बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है कि हस्त मैथुन कर लेने से क्या एसएससी जीडी या आर्मी के मेडिकल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे बच्चे जो नए बच्चे होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम होती है, या जो आर्मी की तैयारी करते हैं उनको भी काफी सारी प्रॉब्लम होती है कि हस्त मैथुन कर लेने से, या कोई बच्चे बार बार हस्त मैथुन करने से उसकी वजह से क्या उनको आर्मी के मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या पहली सेक्स करने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है आर्मी के मेडिकल में। क्योंकि आपको पता आर्मी के मेडिकल में अविवाहित चाहिए, अविवाहित। एसएसजीडी में तो नहीं चाहिए, एसएसजीडी में तो आप विवाहित है तो भी चल सकते हैं, लेकिन आर्मी में अविवाहित चाहिए। और क्या हस्त मैथुन या पहले सेक्स करने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई मेडिकल पॉइंट हो सकता है लाडलू, तो मैं आपको बता दूं हस्त मैथुन के बारे में। ऐसी बात है कि हस्त मैथुन करने से मेडिकल में प्रॉब्लम हो या नहीं हो, आपकी जो एज है, ज़्यादातर बच्चे जो इस एज के रहते हैं 16 साल या 17 साल से लेके 21 साल के बीच की, ये जो एज है बहुत ही नाजुक एज है, ठीक है। इस एज में ये सारी प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बच्चा होता है इसमें डिस्टर्ब होता है इस एज में। तो अगर दोस्तों आपको भी ऐसी कोई लत है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हस्त मैथुन करने से आपका शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा, ठीक है। शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं कि आप जैसे वेब सीरीज देखने से या कुछ प्रोन वीडियो देखने से आपकी बार बार ये मनोकामना होगी ये चीजें करने की, आपके शरीर की जो कामना बढ़ती जाएगी, आपके हार्मोन ज्यादा एक्टिव होंगे, और बार बार आप ये करने से आपके जो शरीर सांस फूलने लग जाएगा, घुटनों में से जान चली जाएगी, मतलब घुटने, फिर आप रनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो जो बच्चे बार बार हस्त मैथुन करते हैं, पहली बात तो ये कि हस्त मैथुन करनी चाहिए या नहीं, तो लाडलो हस्त मैथुन किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा करोगे, हद से ज़्यादा, तो बहुत ही नुकसानदायक है। पहली बात तो अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों से दूर ही रहिए, जितना हो सके उतना दूर रहिए। कोई ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको दूर रखना है। मेडिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाडलो, अगर आप सेक्स भी किए हो या हस्त मैथुन भी किए हो, ये दोनों के मेडिकल में कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन आपके शरीर के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है, आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। अगर आप बार बार हस्त मैथुन करते हो आपका शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा, आपके घुटने पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और घुटने पे बुरा असर पड़ने का मतलब यह है कि एक तो आपका सांस फूलने लग जाएगा रनिंग करते समय, और आपके घुटनों में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए इस एज में जितने भी बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है। इस जो आप प्रोन वीडियो देखना बंद कर दीजिए, साथ में जो वेब सीरीज आती है आजकल इतनी गंदी गंदी एडल्ट वाली, वो देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप जैसी चीज़ें देखोगे वैसा ही आपका मन करेगा, तो इसलिए इन चीज़ों से दूर हो जाइए। मेडिकल पॉइंट हस्त मैथुन की वजह से, ऐसे करने लेने की वजह से कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको इस चीज़ से बिल्कुल बचकर रहना अगर आप फोर्स की तैयारी करें, चाहे एसएसजीडी की, चाहे आर्मी की, चाहे बीएसएफ की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों में फंस के अपने शरीर को खराब कर लेते हैं, ठीक है। तो इनसे बिल्कुल बच के रहना है। आपकी जो एज है वो, आप अगर चाहते हो कि सही रूप से अपने जीवन बनाए, आपकी लाइफ सेट हो, तो इन चीज़ों से आपको पूरा दूर रहना है दोस्तों, ठीक है। इसका मेडिकल पॉइंट कोई भी नहीं है। बहुत एक दो बच्चे का कमेंट था तो मैं बता दूं इसका मेडिकल पॉइंट कुछ भी नहीं है, ना आर्मी में मेडिकल पॉइंट है, ना ही इसमें। आपकी जो त्वचा है वो ऊपर होने से नीचे होने से उसकी वजह से मेडिकल पॉइंट नहीं है। एक फिमोसिस होती है जिसकी चमड़ी, लिंग की जो चमड़ी है ऊपर नहीं आती, उस कंडीशन में आपका मेडिकल पॉइंट हो सकता है, लेकिन लाडलो उसका ऑपरेशन करा सकते हो आप, ठीक है। ऑपरेशन करा के आप उसको ठीक करा सकते हो, जिनकी चमड़ी लिंग के ऊपर नहीं आती वो करा सकते हो उसका ऑपरेशन, और ऑपरेशन करा के उसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आर्मी के मेडिकल में भी आप फिट हो जाओगे, एसएसजीडी के मेडिकल में भी फिट हो जाओगे लाडलो। जय हिंद, जय भारत।